1700 क्विंटल मक्के की कीमत किसानों को बेहतर मिली। पहली बार ऐसा हुआ जब किसानों को MSP से ऊपर का भाव मिला। इस पूरी प्रक्रिया ने एक खामी को भी उजागर किया, जिसे राज्य सरकार अगली नीलामियों में दूर करने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने लिखा था सपोर्ट करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आगे पहले ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड सप्लाईज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, वो इसमें सपोर्ट देते थे मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, मगर उन्होंने कहा कि अगर आप अपने टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या इसमें यूज़ करेंगे तभी ये उसमें सपोर्ट दे सकते हैं। बाकी सपोर्ट के लिए उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से बात करने को कहा है। तो जैसे पल्सिस में होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, नाफेड इंटरवेन करता है तो हम खरीद लेते हैं फिर नाफेड को दे देते हैं, वैसे ही मेज़ में भी हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एजेंसी है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एनफोर्स करेगी उसके साथ हम एग्रीमेंट करके हम इसको कर पाएंगे। पहली बार में ही छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे नज़दीकी राज्यों के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली तक के कारोबारियों का भाग लेना ये साफ जाहिर करता है कि उपज की गुणवत्ता और भुगतान की गारंटी मिले तो कृषि उपज के कारोबार में किसानों के लिए बाजार की समस्या का अंत किया जा सकता है। साफ है कि राज्य सरकार की इस योजना को किसानों और व्यापारी वर्ग दोनों का पूरा साथ मिल रहा है। मंडी में लाने का बहुत कुछ फ़ायदा है जी। उसमें क्या है, हमको रखने का मक्का ला के रखना है और रखने से भी हमको कोई चार्ज नहीं लगता है, खाली ट्रांसपोर्टिंग लगता है बस घर से लाना, और रखने का बहुत सुविधा है इसमें। हम उसमें क्या है, हमारा हिसाब से हम जो रेट में हमको पसाता है हम उसी हिसाब से छोड़ते हैं, अगर कम रेट हो गया तो मंडी का वो गोडाउन में रह जाता है, यही है सुविधा का। मंडी में बेचने से हमको फ़ायदा है ना, एक कट्ठा पैसा मिलता है, और व्यापारी को बेचने से वो एडवांस देगा 5-10 हज़ार, उसके बाद 15-20 दिन में फुल पेमेंट करता है। इस नीलामी के सुखद परिणाम से उड़ीसा सरकार के लिए आर्थिक समृद्धि लाने की एक नई राह खुली है। राज्य में हर साल अनुमानित तौर पर करीब 6.5 लाख टन मक्के का उत्पादन होता है, जिसमें से लगभग 28% केवल नवरंगपुर में होता है। हालांकि बदतर कनेक्टिविटी और स्थानीय स्तर पर खपत के अभाव के कारण कीमतों में किसानों का जो शोषण होता है उसके कारण पिछले कुछ समय से मक्के की खेती के रकबे में गिरावट दिखी है। जहां 2014 के सीजन में करीब 60,000 हेक्टेयर में मक्के की बुआई हुई थी जिसमें करीब 4.5 लाख टन उत्पादन हुआ था, लेकिन इस साल भाव के 900 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच जाने के कारण पिछले साल ये रकबा घटकर 38,000 टन रह गया। उत्पादन भी कम होकर 3.25 लाख टन तक गिर गया। हालांकि इस बार एक बार फिर उत्पादन के 4 लाख टन को पार करने की उम्मीद है। ऐसे में मंडी अधिकारियों को उम्मीद है कि इस बार आवक भी बढ़ेगी और स्थानीय कारोबारी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग में शामिल होंगे। 5 दोस्त लोकल ट्रेडर्स के साथ मैं बात किया हूँ। इस हम भुवनेश्वर गए थे सर, लोकल ट्रेडर्स लेके हमारा एक मीटिंग था, उसी टाइम और यहाँ आने के बाद मैंने लोकल ट्रेडर्स को बात किया जो वो इस साल पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट करने से क्या होता है कि सर जो ट्रेडर्स है सर वो 70-80% जो यहाँ का बिजनेस है वो उन्हीं लोग ही करते हैं सर। वो जब यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे तो सर ज़्यादा ट्रेडर्स चासी लाएंगे और वो लोग डायरेक्ट हमारा मंडी से ही उठाएंगे, वही उम्मीद करता हूँ सर जो इस साल ज़्यादा होगा सर। रायगढ़ और उबरकोट उड़ीसा के लिए एक शुरुआत है, लेकिन राज्य सरकार और प्रशासन ने इस पूरी प्रक्रिया के जबरदस्त फायदों को देखते हुए आने वाले समय में इस प्रयोग को बड़े पैमाने पर पूरे राज्य में लागू करने की रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी है। इस साल हमने ये NCDX के साथ एक संस्था NEML नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स लिमिटेड, उनके साथ हमारा जो ओसाम बोर्ड है, उड़ीसा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है, उन्होंने चुक्तिनामा करा है, एग्रीमेंट करा है, 10 और मार्केट इस बार टेस्ट बेसिस पे वो करेंगे, और बिसाइड्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग में भी हम 10 मंडियों को आधुनिकीकरण करेंगे, मॉडर्नाइजेशन करने को जा रहे हैं। जैसे स्पाइसेस है यहाँ पे, टर्मरिक होता है, कोकोनट होता है, मैंगोज़ है, तो यही ट्राई कर रहे हैं उसको और एक्सपेंड करने के लिए अदर क्रॉप्स में। थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए और वहाँ पे जो हमारी स्टेट में जैसे एग्रीगेट कैसे करेंगे उसको, उसके लिए फार्मर्स के ग्रुप बनाना, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। नवरंगपुर के प्रयोग की सफलता आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है, लेकिन इस सफलता की नीति निर्माताओं के सामने कई सवाल भी रखती है। दाम नीचे जाने पर स्टॉक वापस होने के सवालों का जवाब भी प्रशासन को जल्द खोजना होगा।
तभी तीन नक्सल प्रभावित जिलों के बीच बसे इस पिछड़े इलाके की सफलता आने वाले दिनों में एक सफल आंदोलन बन सकती है। कंप्यूटर और इंटरनेट पर आधारित इस प्रक्रिया में किसानों को बड़े पैमाने पर भागीदार बनाने की अपनी कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन उड़ीसा के इस सबसे पिछड़े नवरंगपुर ज़िले में ऑनलाइन मार्केटिंग की सफलता के उदाहरण ने दो बातें साफ कर दी हैं। पहली बात कि इन चुनौतियों के पार जाना संभव है, और दूसरी बात कि देश के सबसे दूर दराज और पिछड़े इलाकों में किसानों की समृद्धि का फॉर्मूला इंटरनेट और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के रास्ते से जाता है। ये फॉर्मूला है किसानों को उनके बाजार से मिलाने का, ये फॉर्मूला है देश की 60% आबादी को आर्थिक आज़ादी दिलाने का। मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ उड़ीसा के नवरंगपुर ज़िले से भुवन भास्कर।